मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, बाबा वेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, ये वीडियो जो है मैंने बहुत अर्जेंट और इमरजेंसी में बनाया। ये एक्चुअली क्लियर करने के लिए है कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए हैं और मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि भाई बकरी इतना वक्त थोड़ी लगाती है, 11 महीना 9 महीना इतना वक्त नहीं लगाती। तो भाई इस बात को क्लियर करने के लिए कि मैंने वीडियो जो बनाया, वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि मैंने उसके अंदर साफ एक बात बोला हूँ, अगर उन बातों को जोड़ा जाए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। जैसे कि उसके अंदर मैंने बोला हूँ कि वो बकरियाँ, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया, ओस के बारे में मैंने बात किया, तो वो किसके बारे में बात किया, जो बकरियाँ उम्र से कम होती है, जो छोटी होती है, जिनका जो खुद बड़ी नहीं होती है और उनको बच्चा देने का वक्त आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर वो सिम्टम्स नहीं होते, इनके अंदर ऐसा होता है कि बकरियां कभी भी कोई भी एज के बाद में, जब वो बकरी 5 महीना 4 महीने की हो जाती है, तो कोई भी वक्त पे वो हीट पे आ जाती है, ठीक है। वो होता है उनके हार्मोन्स के ऊपर, वो होता है उनकी नस्ल के ऊपर। तो बकरियाँ जो है, काफ़ी बकरियों के साथ में ये चीज़ होती है कि वो वक्त से पहले जो है वो हीट पर आ जाती है और वो पेट से हो जाती है। तो इनके लिए मैंने बोला, तो वो बकरियों को इतना वक्त लगता है, 10 महीने 11 महीने। बाकी नॉर्मल तो भाई मैंने उसके ऊपर एक कमेंट भी किया हूँ मेरे ही वीडियो पे क्लियर करने के लिए कि भाई 5 से 6 महीना ले लेती है बकरी। और इसी चीज़ में एक भाई ने कमेंट भी किए हैं मेरे को, जिन्होंने कहा है कि उनको भी 7 महीने हो गए हैं उनकी बकरी को, बट अब तक बच्चा नहीं दी। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम नॉर्मल से नॉर्मल अगर देखा जाए, नॉर्मल बकरी जो ऑलरेडी बच्चा दे चुकी है, ठीक है, जिनकी एज है, प्रॉपर बॉडी वेट है और जो प्रॉपर ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर चुके हैं हम लोग ने और पहले बच्चा दे चुकी है, तो वो भाई 5 महीने में 5.5 महीने में 6 महीने में, कोई कोई बकरियाँ 7 महीने में ऐसा बच्चा देती। प्रॉपर पर्टिकुलर एक तुम अगर नंबर पकड़ोगे ना कि भाई ये इतने ही दिन में देना चाहिए, तो ये नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो ये क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि भाई इतना वक्त ही लेती है जो बकरियाँ एज से बहुत कम होती है, जिनको मतलब कम एज के अंदर जिनकी ब्रीड हो गई होती है, उनको इतना वक्त लगता है बकरी को बच्चा देने में। तो ये मुझे क्लियर करना था, वरना आदमी को ये लगेगा कि भाई बाबा भाई ने ये क्या बोले, इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आए और मैसेजेस भी आए मेरे को, तो मैं बोला कि भाई ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो वीडियो बनाया था भाई, ये वीडियो बहुत डीप है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो कैसा है, ठीक है। तो भाई और कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और मैंने इसी के लिए वीडियो का टाइटल भी रखा हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई डीप नॉलेज। डीप नॉलेज का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी गहरी बात जो बताने के लिए, क्योंकि उसमें ये वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी बातें किया हूँ और आप लोग अगर देखोगे तो भाई ये वीडियो जो है 20 मिनट का बना है, ठीक है। मेरे नॉर्मल वीडियोज़ जो है वो 12 मिनट 7 मिनट 8 मिनट ऐसे टाइम के हैं, बट ये मेरा बड़ा वीडियो बना है क्योंकि मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैंने अपने आँखों से देखा हूँ, मैंने कुछ बकरियाँ ऐसी भी देखा हूँ जो नस्ल में बड़ी होती है, जिनकी नस्ल बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वो हैवी वेट हो जाती है। जैसे सोजत पकड़ लो, शिरोई पकड़ लो, ठीक है, वो बकरियाँ जो है वो बकरियाँ 6 महीने की है 7 महीने की 8 महीने की, वो भी गायब हो गई है, वो भी लग गई है बकरे से। तो ये उनके ऊपर नहीं होता। कुछ कुछ बकरियाँ ऐसी होती है जो 6-8 महीने की होती है मगर वो हीट पे नहीं आती, उनको एक वक्त लगता है, मगर कुछ बकरियाँ जो होती है वो हीट पे आ जाती है। अगर आप लोग दिमाग लगा के अगर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो बहुत बहुत जज़ाकल्ला, और वीडियोज़ को ऐसी देखते रहना भाई। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है कि आप लोगों को पूछना है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग बिंदास मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो नंबर पर आप मैसेज कर दें, और मैसेज करके आप लोग बिंदास पूछ ले तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।